हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वर्मीसेली श्रीखंड की कटोरियाँ। उसके लिए हमने लिया है आधा कप वर्मीसेली और ये हंकार्ड, हाफ टेबल स्पून देसी घी, गार्निश करने के लिए पोमोग्रेनेट पाउडर शुगर 1 चम्मच, और ये हमने दूध के अंदर थोड़ा सा केसर डाल के रखा है, कंडेंस मिल्क और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स गार्निश करने के लिए। अब हम एक पैन के अंदर हमारा घी डालेंगे, आप बटर भी ऐड कर सकते हैं घी की जगह पर, मुझे देसी घी पसंद है इसलिए मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। हमारा घी गर्म होकर तैयार है, अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारी वर्मीसेली यानी हमारी सेवियाँ। उसके बाद इसको अच्छे से हम रोस्ट करेंगे ताकि ये ब्राउन हो जाए, जैसे ब्राउन कलर आएगा फिर हम इसके अंदर हमारा कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। हमारी वर्मीसेली देखिए धीरे धीरे ब्राउन हो रही है, जब ये पूरी तरीके से ब्राउन हो जाएंगी तब इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। ये देखिए पूरी तरीके से ब्राउन हो चुकी है, अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ कंडेंस मिल्क। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, हमने कंडेंस मिल्क मिक्स कर लिया, अब तक हम गैस को ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर तक इसको ठंडा होने देंगे, तब तक हम अपना श्रीखंड तैयार करेंगे। हंकर्ड, इसके अंदर हम डालेंगे पाउडर शुगर, केसर मिला हुआ दूध, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक फ्रीजर में रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। हमारा मिक्सचर जो है वो ठंडा हो गया थोड़ा सा और गाढ़ा भी हो गया। अब हम इसको कटोरिया बनाने के लिए हमने ली है ये 2 कटोरियाँ, आप सिलिकॉन का मोल्ड भी ले सकते हैं, मेरे पास सिलिकॉन का मोल्ड अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने कटोरियों के ऊपर ये एल्युमिनियम फॉइल को फोल्ड करके इसको कटोरी की शेप दी है। अब हम इसके अंदर इसको कटोरियों की शेप देने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे अपना वर्मीसेली का मिक्सचर। ये देखिए मैंने दोनों को कटोरियों की शेप दे दी है, अब इसको भी हम 15 मिनट तक रेफ्रिजरेट करेंगे ताकि ये अच्छे से कटोरी की शेप ले। 15 मिनट के बाद देखिए मैंने इसको निकाला है, फिश तो बिल्कुल हार्ड हो चुकी है, कटोरियों की शेप ले चुकी है, तो हम इसकी फॉइल हटाएंगे और इधर हमारा श्रीखंड भी तैयार है। देखिए बहुत ही गाढ़ा मिक्सचर इसका हो चुका है, जो श्रीखंड की कंसिस्टेंसी होती है। ये देखिए हमारी जो कटोरी है वो बिल्कुल रेडी है एकदम, हम इसी तरह से दूसरे वाली भी निकाल लेंगे। हमारी कटोरी अच्छे से तैयार है, अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। ये हो गई हमारी दोनों कटोरियाँ, इनके अंदर हम डालेंगे अपना श्रीखंड। अब हम करेंगे इसकी ड्रेसिंग, इसके ऊपर ये हो गए हमारे ड्राई फ्रूट्स और ये हमने अनार के दानों से यानी पोमोग्रेनेट से इसकी ड्रेसिंग कर दी है अच्छे से। यू कैन सी आवर वर्मीसेली श्रीखंड आर रेडी। थैंक यू।